बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। आज हम आपको सिखाएंगे कि एमएस वर्ड में स्क्रीनशॉट कैसे इंसर्ट करते हैं। वेरी सिंपल प्रोफेशनल वे में बताएंगे। पहले एक तरीका था, इसके बेसिकली दो तरीके हैं। पहले एक तरीका था कि कंप्यूटर से, लैपटॉप या पीसी से जो कीबोर्ड होता है उस पर प्रिंट स्क्रीन की ऑप्शन होती है, तो आप उधर से प्रिंट स्क्रीन करके तो आप उसको पेस्ट कर देते हैं अपने वर्ड में। लेकिन अब एक ऑप्शन है इसमें लेटेस्ट, जो लेट से हमारा 2013 का वर्ड है और अब इसके बाद जो है उनमें स्क्रीन प्रिंट स्क्रीन की एक बहुत लेटेस्ट ऑप्शन है, बहुत इफेक्टिव, तो आप उसको यूज़ कीजिए। तो आइए हम आपको सिखाते हैं। आपने जाना है वर्ड में, आपने इंसर्ट, तो आप इंसर्ट में जाएंगे और स्क्रीन शॉट में इसको क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन को, तो आपको ये स्क्रीन मिलेगा। वो वजह क्या है कि हमने पहले इधर ब्राउज़र में हमने अपना एक चैनल खोला हुआ है राखीजार ऑनलाइन का। आपने भी जिसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आपने उसको पहले ओपन कर लेना अपने ब्राउज़र में। जिस की पिक्चर गूगल पे आपने लेनी है, आपने फेसबुक का स्क्रीनशॉट लेना अपने चैनल का, अपने पेज का, यूट्यूब पर चैनल का लेना है, जिसका भी लेना है तो उसको आपको ओपन करना लाजमी है, फिर ही आपका ये स्क्रीनशॉट में आपकी ऑप्शन आएगी। तो आप इसको जस्ट क्लिक कीजिए तो ये आपको स्क्रीनशॉट इधर आ जाएगा। अब देखिए, इसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हैं और दरमियान में आप पिक्चर्स इंसर्ट करना चाहें स्क्रीनशॉट, तो ऐसे कर सकते हैं। ये बड़े प्रोफेशनल वे में हाई रेजोल्यूशन में होगा। अब इसकी ऑप्शंस को देख लेते हैं कि देखिए, ये लेट्स से इसकी ऑप्शन है, ये आप करेंगे तो इसको बॉर्डर लग जाएगा, ये सारी ऑप्शंस हैं। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये वाली ऑप्शन भी आ जाएगी। तो लेट्स से हम इसका बॉर्डर लगाते हैं, ये सारी आप खुद चेक कर लीजिए। ये पिक्चर बॉर्डर, इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला करते हैं तो ये येलो कलर, देखिए बहुत खूबसूरत आपका ये इमेज बन गया है। उसके अलावा पिक्चर इफेक्ट्स आप आ जाइए, ये शेडो, कोई भी आप कलर का आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपका ये इस तरह आपका एक डिज़ाइन बन जाएगा। जो इसके अलावा फिर आप पिक्चर लेआउट को आप देखिए कि ये बहुत ही खूबसूरत ऑप्शंस हैं कि आप हम कर्सर होवर कर रहे हैं तो ये इसको ऐसे शेप में दिखा रहा है, अगर इसको करेंगे तो इसको ऐसे करेगा। तो आप इसमें इसको इस्तेमाल कीजिए, इसको जस्ट क्लिक करेंगे तो आपको ये उसी शक्ल में राउंड और साथ ये वाले तीन हिस्से बन जाएंगे। आप कोई टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो आप इसको इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको करते हैं तो हमें ये ऐसे आ गया। इधर टेक्स्ट लिखना है, ये टेक्स्ट की ऑप्शन है, टेक्स्ट हम लिखते हैं राखीजार ऑनलाइन। उसके बाद आप ये पिक्चर इफेक्ट्स देख सकते हैं। आप इसको कोई भी आप इस तरह रीसेट करना चाहें पिक्चर को तो इस तरह का एक शेडो आपका बन जाएगा। ये तमाम ऑप्शंस है, बताने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल है, आसान है। आप इनको कोई भी आप अपना 3D आप इसको करना चाहें, लेट्स से हम इसको ये सिलेक्ट करते हैं तो आपका बिल्कुल ये इमेज ऐसा ही बन जाएगा। तो हम इसको कंट्रोल जी करके दोबारा वापस ले जाते हैं। तो अब ये देखिए पेज लेआउट में आपको बता दिया है। उसके बाद आ जाइए कि आप रोटेट कैसे आप करेंगे। लेट्स से रोटेट राइट साइड पर आप 90 डिग्री में करना चाहते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा। इसके अलावा रोटेट 90 डिग्री लेफ्ट साइड पे आप करना चाहें तो ऐसे हो जाएगा। और इसके अलावा आप देखिए कि फ्लिप वर्टिकल में और फ्लिप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में किसी तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो हम इसको कंट्रोल जी कर रहे हैं, वापस लेकर जा रहे हैं। तो इसके बाद आप देखिए कि आपका ये ऑप्शन आई थी क्रॉप की, तो आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, क्रॉप टू शेप कर सकते हैं, किसी भी शेप में। हम इधर हॉवर कर रहे हैं तो आप देखिएगा कि ये इसकी शक्ल बन जाएगी वैसे ही। कि लेट्स से हम इसको और ये वाली ऑप्शन सेट करते हैं तो आपको ये ऐसी शेप बना देगा। तो सारा ये आप ट्राई कीजिए, बहुत आसान है, कोई भी आप चीज़ में कर सकते हैं। इसके अलावा ये साइज़ आप जो है इसका साइज़ इधर से बढ़ा सकते हैं, इधर से ये वर्टिकल फॉर्म में बढ़ा सकते हैं, इधर से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सारी ईजी ऑप्शन हैं। इसके अलावा आप कंप्रेस कर सकते हैं अपनी पिक्चर को, चेंज पिक्चर कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कहते हैं ये पिक्चर नहीं मुझे अच्छी लग रही, तो आप इधर फ्रॉम अ फाइल क्लिक करके तो आप अपने कंप्यूटर से कोई भी पिक्चर आप इंसर्ट कर सकते हैं, तो वो इसी फॉर्मेट में आपको इंसर्ट कर देगा, राइट। उसके बाद आ जाता है रीसेट पिक्चर, कि आप रीसेट करना चाह रहे हैं जैसे पहले थी वैसी ही हो जाए, तो आप इसको रीसेट कर सकते हैं। आपने क्लिक किया, वैसे ही है जैसे पहली थी जब शुरू किया था। हम कंट्रोल जी कर देते हैं, वापस चले जाते हैं। उसके बाद करेक्शन है, करेक्शन भी आप इसकी ब्राइटनेस और आप इसकी शार्पनेस आप इसका सब कुछ वो चेंज कर सकते हैं। कि लेट्स से आप ये वाला थीम सेलेक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा। इसी तरह कलर आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी बहुत अमेजिंग कलर है, हम कहते हैं कि ये वाला येलो कलर हो जाए पूरे थीम को, तो ये उसने पूरा इसको येलो कर दिया। उसके बाद आ जाता है आर्टिस्टिक इफेक्ट्स है, ये सारे इफेक्ट्स हैं। हम इसको कोई भी लेट्स से ये वाला इफेक्ट देना चाहते हैं तो ये आर्टिस्टिक इफेक्ट ये वाला आ गया।
इतनी ऑप्शंस हैं कि सब कुछ अब बहुत इजी है, जस्ट क्लिक आप करें और आपको ऑप्शन आ सकती है। हमने ज़्यादातर सारी बता दी हैं, एक एक ऑप्शन को हम करके नहीं बता सकते, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स में हमें कही कीजिए, या आप हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है 8000 वाला जो लिखा हुआ है, हर जगह पर लिखा है, आप उस पर कमेंट करें या उस पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपसे रब्ता कर लेगी और आपको बता देगी। इसके अलावा हम लोग पूरा ऑफिस का पैकेज हम पढ़ाते हैं, एमएस वर्ड, एडवांस्ड एक्सेल भी है, बेसिक टू एडवांस लेवल है, ये सारे कोर्सेज, और इसके अलावा पावर पॉइंट, तीन चीज़ें हम कराते हैं एमएस ऑफिस में, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इस पर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेज हैं, तो आप जल्दी से एडमिशन इसमें लीजिए और इसको दूसरों तक भी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।